नमस्कार, प्रवासियों के डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम ब्रेड का एक नाश्ता बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। प्रवासियों के डिलीशियस रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ब्रेड। अक्सर जो ऊपर और नीचे साइड का ब्रेड होता है उसे हम लोग यूज नहीं करते हैं, घर में कोई नहीं खाता है, तो इस रेसिपी में इसका बहुत अच्छा यूज हो जाता है और ये खाने में भी सुंदर लगता है। तो मैंने 4 पीस ब्रेड ले लिया है और इसके अंदर डालने के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गर्म मसाला पाउडर और 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, इसे मैंने पीस कर रखा है। 1 टुकड़ा अदरक का मैंने कद्दूकस कर लिया है और 1 हरी मिर्च को मैंने छोटे टुकड़े में काटा है, हरी धनिया कटी हुई, 1 प्याज को मैंने छोटे टुकड़े में काटा है और 1 टमाटर को मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है, 1 गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है और 1 टुकड़ा पत्ता गोभी का भी मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है और हमने 3 से 4 चम्मच हरी मटर लिया है, इसे मैंने हल्का सा बॉयल कर लिया है। हल्की सी बॉयल है, आधी हमारे उत्पम में पक जाएगी। और इसके अंदर डालने के लिए हमने 100 ग्राम दही लिया है, 1 कटोरी हमने सूजी लिया है, सूजी को मैंने हल्का सा भून कर रखा था जिससे सूजी हमारी खराब ना हो, तो इससे इसका सोंधापन आ जाता है और अच्छा लगता है उत्पम हमारा। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है। तो सबसे पहले हम ब्रेड को तोड़ लेंगे और इसे पीस लेंगे, तो इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो मैंने तोड़ लिया है, अब इसे हम पीस लेंगे, इसे मिक्सर जार में डाल देंगे, इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। और ये ब्रेड हमारा अच्छी तरीके से पीस चुका है, इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे और उसके अंदर सूजी डाल देंगे। अब इसके अंदर हमें दही डाल देना है, इसके अंदर हम दही को डालेंगे और इसे हम मिला देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जिससे सूजी हमारी अच्छी तरीके से फूल जाए, तो उसी हिसाब से हमें पानी डालना है। इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, करीब 1/2 ग्लास पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया है और इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम सारी चीजों को डालेंगे, ये ब्रेड जो मैंने पीस कर रखा है उसे भी डाल देंगे। हमने सारे ब्रेड को डाल दिया है और इसके अंदर इन सारी सब्जियों को भी डाल देंगे। हरी सब्जियां आप अपने पसंद अनुसार डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो इसमें डाल लीजिए। ये नाश्ता इस तरीके से बनाने में खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सारी सब्जियों को इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम ये सारे मसाले डाल देंगे, हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला, जीरा पाउडर, हरी मिर्च और अदरक। इसके अंदर हमें नमक डालना है और नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है, तो 1 छोटा चम्मच नमक हम इसके अंदर डालेंगे और इसे मिला लेंगे। इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम 1/2 ग्लास पानी और डाल देंगे, मैंने 1/2 ग्लास पानी पहले डाला था, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही इसमें हम कटी हुई हरी धनिया भी डाल देंगे। इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। नमक को आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर इसके अंदर नमक कम है तो आप और डाल लीजिए। नमक या मिर्च मसाले भी आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है जिससे सूजी हमारी अच्छी तरीके से फूल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। सूजी हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है,
इसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी और डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालेंगे, 3 से 4 चम्मच। और इसमें एक चीज़ हम और डालेंगे, बेकिंग सोडा 3 से 4 पिंच, अगर आप चाहें तो डालें वरना ऐसे भी इसका उत्पम बहुत अच्छा बन सकता है, तो इसे हम मिला लेंगे। इसे हमें एक साइड में मिलाना है, मैं दोनों तरफ इसे नहीं मिलाना है, इसे इसके एयर इसके अंदर ही रहे और इसके जो बुलबुले होते हैं वो अच्छे तरीके से आ जाएं। बस हमें इसे छोड़ देना है। अब इसे हम बनाना शुरू करेंगे, और इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर नॉनस्टिक तवा रखा है, मैंने गैस को ऑन कर दिया है। हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस ब्रश की मदद से पूरे तवे पर हम तेल लगा देंगे और हम इसे गर्म होने देंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है और तेल भी गर्म हो चुका है, हम इसके ऊपर इस बैटर को डालेंगे जो मैंने मिक्स करके रखा है। इसे आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा बना सकते हैं। 2 चम्मच मैंने इसके ऊपर बैटर डाल दिया है, इसे हम फैला देंगे। आंच को हमें मीडियम रखना है, इसे अच्छी तरीके से सीक जाए, बहुत पतला नहीं करेंगे, हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है। इसे मैंने अच्छी तरीके से फैला दिया है। अब इसे हम 2 मिनट तक एक साइड में पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे उत्पम का कलर देखिए हल्का सा अलग हो गया है, और इसे हम पलट देंगे और ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देंगे। इसे दूसरी साइड में भी हम 2 मिनट तक पकने देंगे। इसे हम चेक करेंगे दूसरी साइड में भी, देखिए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर इसका आ गया है। हमें इसे और नहीं सेकना है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से दूसरा उत्पम बनाएंगे। थोड़ा सा तेल लगाएंगे तवे पर, बैटर डालेंगे, फैला लेंगे। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे घर में नाश्ते में खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, फटाफट बन भी जाता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो इसी तरीके से सारे उत्पम को हम बनाएंगे। 2 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे और ये भी उत्पम हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम प्लेट में निकालेंगे और हमारा गर्मा गर्म ब्रेड का उत्पम बनकर तैयार हो गया है। इसे मैंने हरी धनिया और टमाटर की चटनी के साथ रखा है, आप इसे किसी भी सब्जी या चटनी अचार के साथ खा सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही खा सकते हैं। इसमें बहुत सारी सब्जियां सब पड़ी हुई हैं जिससे ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट में ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।